हम लोगों ने अभी तक जो क्लास में देख लिया था बीड के पूरे प्रोसेस देख लिए थे, सिर्फ एक बीड का प्रोसेस रह गया था, वो था कस्टम बीड, है ना। कस्टम बीड का पूरा प्रोसेस रह गया था आपने, कस्टम बीड हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आज हम लोग एक कस्टम बीड का टेंडर भरेंगे। कस्टम बीड का कैसे भरते थे? कस्टम बीड का भरने के लिए, कस्टम बीड कहाँ दिखेगा आपको? यहाँ पे इस जगह पे आपको कस्टम बीड दिखता है। कस्टम बीड कुछ भी सभी का आपको कस्टम बीड दिखेगा। ऐसा कोई, जैसे नॉर्मल बीड में कैसा होता था, हमको कोई बीड दिखते थे, कौन सा बीड दिखते थे? जिसका कैटलॉग पब्लिश होता था। जिसका कैटलॉग पब्लिश नहीं है वो कस्टम बीड में नहीं दिखता था। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर एक कस्टम बीड आप देखो देख पाओ और आप भर भी सकते हो कोई भी कस्टम बीड, पर वो कस्टम बीड के कैटेगरी में होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर कस्टम बीड कभी भी आप यहाँ से सर्च करो, ये वाला पोर्टल, यहाँ पे आपको कस्टम बीड दिखता है। पर ये कस्टम बीड यदि बंच में निकला तो फिर आपको यहीं पर मिलेगा, फिर वो बंच बीड में ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो एक सेटिंग का भी मैं आपको यहाँ पे पार्ट बताता हूँ। जब भी आपको यदि कभी टेंडर में सेटिंग करना है तो कस्टम बीड में मान लो यही चाहिए आपको, कुछ अभी इसमें क्या चाहिए ये पता नहीं आपको, आरसीसी पोस्ट बोल के बोल रहा है गुजरात में, पर टेंडर ऐसा नहीं निकालने, ये ऐसा टेंडर में थोड़ा सा मैनेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अब इसको चाहिए, स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया होगा यहाँ पे डाउनलोड में क्या चाहिए। देखो ये आरसीसी का ये सीमेंट पोल है, ये चाहिए उसको। तो मान लो आपको सीमेंट पोल ही चाहिए एज ए एग्जाम्पल, तो आप टेंडर कैसा निकालोगे? 555 क्वांटिटी है ना, तो 555 के दो टेंडर निकाल देने का, एक 500 का एक 55 क्वांटिटी का, तो दो कस्टम बिड बनाने का। लोग कभी भी यहां से टेंडर सर्च करते हैं, लोग यहां से टेंडर कभी सर्च नहीं करते। बहुत कम लोगों को देखोगे जो बंच बिड से लोग टेंडर को सर्च करते। तो आपके लिए यहाँ पे ये फायदा हो जाएगा कि लोग यहाँ पे टेंडर सर्च नहीं करते, तो लोग जब सर्च नहीं करेंगे लोगों को टेंडर मिलेगा नहीं, तो भरेंगे भी नहीं। पर यहाँ पे लोग कस्टम बीड में देखते हैं, तो टेंडर कभी भी जब भी निकालो इसको किस में निकालो? बंच बीड में निकालो। निकालोगे किस में? बंच बीड में निकालने का, इसका ही दो पार्ट बनाने का, ताकि टेंडर यहां ना दिखे, टेंडर यहां पे। और यदि किसी को दिख भी गया तो वो कंफ्यूज हो जाता है जो टेंडर है किस चीज का, नॉर्मल बीड है या कस्टम बीड है या बीओक्यू बीड है। बहुत सारे लोगों को टेंडर पहचानना नहीं पता, ये कस्टम बीड है तो कैसे हम लोगों ने पहचाना ये कस्टम बीड है? क्योंकि इसके नीचे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ नहीं है। किसमें स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा रहता? एक तो बीओक्यू बीड में और दूसरा कस्टम बीड में। पर बीओक्यू बीड में यहाँ एक बीओक्यू बीड बोल के लिखा रहता है बीओक्यू, और उसमें एक एक्सेल का फाइल रहता है, और कस्टम बीड में सिर्फ स्पेसिफिकेशन रहता है। यदि वो भी आप देखना चाहते हो तो वो भी एक देख लो, ताकि आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाए जो बीओक्यू और कस्टम बीड में कैसे पहचानोगे। सर का ही आईडी खोला हूँ, सर के आईडी से करके देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? आई मीन सर ये है बीओक्यू बीड, कैसे पहचाना हम लोगों ने इसको? बीओक्यू बीड में कैसा है? स्पेसिफिकेशन भी है और बीओक्यू बीड भी है, और इसमें सिर्फ कस्टम बीड में सिर्फ स्पेसिफिकेशन है, बीओक्यू नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा जो ये टेंडर किस में है, कस्टम बीड में है या बीओक्यू में। बीओक्यू बीड में क्या होता था, अपने को कैटलॉग बनाना नहीं होता था, हम लोगों ने कैटलॉग नहीं बनाया। पर कस्टम बीड में आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा, कस्टम बीड में आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। अब ये टेंडर भरना है तो इसका मुझे कैटलॉग बनाना पड़ेगा। इसका कैटलॉग कैसे बनाएंगे? ये टेंडर यदि मुझे भरना है तो, ये टेंडर यदि मुझे भरना है तो मुझे कैटलॉग बनाना पड़ेगा। कैटलॉग कहाँ बनाएंगे? कैटलॉग ऑर्डर एड न्यू ऑफरिंग, यहाँ पे बनाएंगे। पहले इसका कैटलॉग बनाएंगे, कैटलॉग में कौन से कैटेगरी में? कस्टम बीड के लिए कौन से कैटेगरी में कैटलॉग बनाओगे? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, इसलिए इसने कस्टम बीड निकाला है। इसमें कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलईडी लाइट भी हो सकता है, पीवीसी कपर केबल भी हो सकता है। लोग टेंडर कैसे निकालेंगे ये नहीं बोल सकते, पर यदि वो कस्टम बीड में है तो आपको यहां से सर्च नहीं करना है, कंप्यूटर है तो यहां से सर्च नहीं करना है,
कस्टम बिल्ड का टेंडर हमेशा यूनिवर्सल कैटेगरी में कैटलॉग बनाना है। कौन से कैटेगरी में? यूनिवर्सल कैटेगरी। यूनिवर्सल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ आप कस्टम बिल्ड के लिए यूज करोगे, दूसरे के लिए नहीं। यूनिवर्सल कैटेगरी, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिवर्सल कैटेगरी डाला तो यहाँ पे मिलता नहीं, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से सर्च नहीं करना है। हम लोग अभी तक सब कुछ यहाँ से सर्च कर रहे थे, यूनिवर्सल कैटेगरी यहाँ से सर्च नहीं करना। यूनिवर्सल कैटेगरी कहाँ सर्च करोगे? यहाँ से कैटेगरी नंबर वन यहाँ पे डालो, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कैटेगरी मिल गया। सेकंड नंबर फिर से यूनिवर्सल, थर्ड नंबर फिर से यूनिवर्सल, फोर्थ नंबर फिर से यूनिवर्सल। क्लियर है? यहाँ तक पहले डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में तो बताओ। हाँ सचिन सर बोलिए। सर जो एक कस्टम बिड होती है इसमें सर ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मतलब जैम पे डाला नहीं हुआ? जनरली रूल तो यही बोलता है, पर बायर निकाल देता है। बायर कंप्यूटर का भी निकाल सकता है, प्रिंटर का भी निकाल सकता है, एलईडी लाइट का भी निकाल सकता है, सोलर पैनल का भी निकाल सकता है, किसी का टीवी का भी निकाल सकता है, एसी का भी निकाल सकता है। तो सर मतलब अगर इसके लिए कैटलॉग बनाए कस्टम का, कोई भी टेंडर आया तो आपको यूनिवर्सल कैटेगरी में ही बनाना है, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं। अजय सर। सर बस ये पूछना था कि फिर तो जो डायरेक्ट जिसको काम मिलता है वो तो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल कैटेगरी सिलेक्ट करेगा हर बार, जिसको मतलब नहीं समझा मैं आपकी क्वेरी क्या बोलना चाहते हैं। जैसे जैसे किसी को डायरेक्ट काम मिल चुका है तो वो तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट यूनिवर्सल। हाँ यानी जैसे आपको पता है पहले काम मिल जाता है फिर वो अपने आप यूनिवर्सल कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाएगा अपलोड करके डायरेक्ट नहीं मिलेगा वो, डायरेक्ट यूनिवर्सल कैटेगरी से डायरेक्ट परचेज नहीं होता। यूनिवर्सल कैटेगरी में वही प्रोडक्ट डालना है जो उसका बिड निकलेगा, वो भी कस्टम बिड निकलेगा। एग्री सर एग्री, लेकिन सर जो बिडिंग के थ्रू जाएगा प्रोजेक्ट 8 से 10 दिन बाद तो अलॉटमेंट फिर उसी को होनी है ना जिसकी सेटिंग रहेगी। जो सबसे कम रेट में भरेगा उसको मिलेगा ना, हम अभी टेंडर भर रहे हैं, हमको मिलेगा ये टेंडर हमको पता नहीं है। अच्छा तो यूनिवर्सल कैटेगरी पब्लिकली सर्च रहती है, मतलब अगर अपन ने यूनिवर्सल कैटेगरी में प्रोडक्ट अपलोड करके कोई भी डाल दिया बिड तो वो सभी को दिखेगा वो? देखो दिखने के लिए सभी को दिखेगा पर इजीली मिलता नहीं है, टेंडर सर्च करने से यूनिवर्सल कैटेगरी में टेंडर मिलता नहीं, ये इसका बेनिफिट है। तो लोग इसमें कॉम्पिटिटर कम होते हैं कभी भी, क्योंकि सर यही सेम कैटेगरी मेरे को आपसे पूछनी थी, मेरे को जितने अभी तक 2 अलॉटमेंट आई ना यही कैटेगरी में आई हुई है। हाँ तो मैं जब टेंडर डालूंगा कस्टम बिड का टेंडर निकालते कैसे है वो हम बायर के क्लास में आपको मैं बताऊंगा, मतलब यहाँ से आप टेंडर में सेटिंग कर सकते हो थोड़ा, पर 100% श्योर शॉट नहीं। अभी ये टेंडर यदि किसी ने सेटिंग में निकाला था तो मुझे तो मिल गया ना टेंडर, मैं अभी भर सकता हूँ ना टेंडर ये, पर नॉर्मल में यदि वो टेंडर 10 लोग भरेंगे तो इसमें 100% एक ही लोग भरेंगे, 9 लोग नहीं भरेंगे क्योंकि टेंडर मिलेगा नहीं और इसका नोटिफिकेशन नहीं जाता। हमें कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा सर, आपको यहाँ से सर्च ही करना पड़ेगा, आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है जो आपको टेंडर जब सर्च में मिलेगा तो आपको यहाँ पे सर्च सिर्फ लोकेशन वाइज में टेंडर आप सर्च कर सकते हो या डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे आपको ये टेंडर मिल सकता है। इसीलिए मैंने बोला यदि किसी को मिल भी गया तो आप क्या करने का, कस्टम बिड को नॉर्मल नहीं निकालने का, उसको बंच में निकालने का, उसको 2 पार्ट में तोड़ देने का ताकि किसी को मिल भी गया तो वो इजीली ना भर पाए टेंडर। चलो ये हम लोग बायर के क्लास में देखेंगे। क्लियर है यहां तक में? कोई डाउट्स और है किसी को? चलिए ब्रांड, अभी यहाँ पे अपना ब्रांड आप डाल सकते हो, कोई सा भी ब्रांड, मान लीजिए मेरा ABC ब्रांड है, आई सर्टिफाइड, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं डालने का, इसको सिर्फ कस्टम स्पेसिफिकेशन में टिक करना है और सेव, बस हो गया। कौन सा मॉडल आप दे रहे हो तो RCC पोल बोल, मेरा यही मॉडल RCC पोल, यही नाम है मेरा RCC पोल, डिस्क्रिप्शन में भी RCC पोल, ठीक
ठीक है, यहाँ पे बिड नंबर मैंडेटरी है, पहले बिड नंबर ऑप्शनल था कैटलॉग के लिए, बट इसके लिए बिड नंबर मैंडेटरी है। तो ये बिड नंबर किस बिड से आप टेंडर कर रहे हो, मेरा बिड नंबर ये वाला है, नहीं ये वाला है। बिड नंबर ही गए वो, आधा अधूरा आया। चलो मुझे मिल जाएगा इसका बिड नंबर, कैटलॉग प्रोडक्ट सॉरी बिड, एड न्यू टैब में खोल देते हैं, यहाँ से बिड नंबर मिल जाएगा, कस्टम बिड, कोई बिड नंबर कस्टम बिड का एक बिड नंबर उठा के डालता है, सिर्फ कस्टम बिड का ही बिड नंबर डालना है, इधर का बिड नंबर डालोगे तो लेगा नहीं, हो गया बिड नंबर डाल, यहाँ पे बिड नंबर मैंडेटरी डालना ही पड़ेगा, और वो भी कस्टम बिड का, नॉर्मल बिड का नहीं चलेगा, हो गया कैटलॉग। यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये कस्टम बिड है तो आपको पता नहीं, आप जो ओएम भर रहे टेंडर को अप्लाई कर रहे हो, रीसेलर कर रहे हो तो रीसेलर, ओएम कर रहे हो तो मैं रीसेलर कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग ये मेक इन इंडिया के तहत है क्या, टेंडर में देखो पहले, टेंडर में यदि मेक इन इंडिया बोला है तो यहाँ पे मेक इन इंडिया डालने का ही डालने का, ये टेंडर में बोला है, पर ये टेंडर हमारा नहीं, टेंडर को भी निकाल दे, ये टेंडर हमारा, इसमें देखो मेक इन इंडिया बोला है क्या, मेक इन इंडिया नो है, तो आप यहाँ पे यस भी डालेंगे तो भी चलेगा, नो बोलेंगे तो भी चलेगा, यदि मेक इन इंडिया बोलता तो यहाँ पे मेक इन इंडिया डालना ही पड़ता। फिलहाल हम इसको यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते, चलो यस कर देता हूँ 50%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, ऑफर प्राइस, कितने प्राइस में आप ऑफर कर रहे हो, मान लो मैं 50,000 में ऑफर कर रहा हूँ, क्लियर 7%। अब इसका स्पेसिफिकेशन, जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका एक कैटलॉग आपको अपलोड करना है, जो आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो उसका क्या है, साइज क्या है वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स है वो आपको उसका पीडीएफ बना के, पिक्चर इमेज जो कैटलॉग आप लोग बनाते हो वैसे आपको कैटलॉग एक पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना। मैं कैटलॉग डाल दिया, सोचो मैं ऐसे डाल दिया यहाँ पे 7। अब इसके तीन फोटो चाहिए है ना, तीन फोटो आपके प्रोडक्ट के, यदि आपके पास है तो ऐसा डाल दो, नहीं तो गूगल में सर्च करके भी डाल दो, पर वो प्रोडक्ट आपका मैच होना चाहिए है ना। ये मेरा फोटो है तीन, उठा लेता हूँ इसके फोटो, फाइल सेव एज, जेपीजी में अपलोड हो रहा है, डेस्कटॉप एक नंबर बोल के सेव कर, इसके तीन कॉपी में बना लेता हूँ, ये बन गया, कॉपी पेस्ट पेस्ट, तीन बन गया, अब इसको अपलोड कर, यार से सिंपल था मेरा, चूज डेस्कटॉप एक नंबर पहला, दूसरा फोटो और तीसरा फोटो, ये हम लोगों ने नया कैटलॉग बनाते वक्त भी किया था, ऐसा ही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ इसमें एमआरपी का डॉक्यूमेंट हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सर्टिफाइड 7%, और एमआरपी भी हमने नहीं डाला, खाली ऑफर प्राइस का, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन क्लोज, और स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने कैटलॉग में अपलोड, स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने नहीं डाला, कैप्चर डाला, हो गया देखो ठीक है, 4 से 6 घंटा फिर से वो बोल रहा है लेगा, तो जनरली इसको 4 से 6 घंटा नहीं लगता है, ये कैटलॉग मेरा तुरंत पब्लिश हो जाता है, देखो ये पब्लिश हो चुका है, अभी यहाँ पर भी ये डिस्प्ले होना चालू हो जाता है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, बीड नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज हो गया लॉग इन, बीड लिस्ट ऑफ बीड कहाँ मिलेगा, कस्टम बीड, तो यहाँ पे ये मेरा बीड नंबर सर्च हो गया, पार्टिसिपेटेड, फिर से नॉर्मल वही प्रोसेस चालू होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे कैटलॉग एक अलग से बनाते हैं, 1360 क्वांटिटी चाहिए, अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर, अब इसका कैटलॉग बन चुका है,
ये अप्रूवल हो गया कि आपको यहाँ दिखना चाहिए, ये तुरंत अप्रूवल हो गया। पर नॉर्मल प्रोडक्ट में अप्रूवल के लिए टाइम लगता, पर ये कस्टम बिल्ड का प्रोडक्ट तुरंत अप्रूवल हो जाता। देखो हमने अभी डाला, अभी अप्रूवल मिल गया यूनिवर्सल कैटेगरी। इसको करेंगे चूज दिस आइटम, अप्रूवल मिल गया, कंफर्म यहाँ पे इसको, है ना। और फिर आप मैक्सिमम कितना क्वांटिटी दे सकते हो, और उसको तो चाहिए, उसको तो कितना चाहिए था 1360, और आप कितना दे सकते हो, मैं 2000 तक दे सकता। सेव एंड कंटिन्यू। ऑफर प्राइस, हमने इसका प्राइस कितना डाला था, 50,000, बराबर याद है क्या? मैं दिखाऊं यहां से, देखो देखो कितना डाला है हम लोगों ने, 50,000। पर मैं अभी जब कैटलॉग बनाऊंगा तो मैं इसको कितना भी डाल सकता हूं। जब मैं इसका ऑफर प्राइस करूंगा तो मुझे कैटलॉग के प्राइस से कोई मतलब नहीं। अभी मैं यहाँ पे ऑफर प्राइस में जो मुझे रेट लगा वो डाल सकता, मैंने 50 डाला है, यहाँ पे मैं 90,000 भी डाल सकता या फिर 20,000 भी डाल सकता, मेरे ऊपर है, जो मुझे लग रहा है मैं वो प्राइस यहाँ पे डाल सकता। कैटलॉग 50,000 का डाला है, मैं ये यहाँ पे इसको 5,000 में, तो मैं 5,000 भी डाल सकता। जहां पे कैटलॉग के प्राइस से कोई मतलब नहीं, आप अपना, अभी आपको यदि टेंडर मिलेगा तो ये रेट, इतना पैसा मिलेगा 1360 पॉइंट के हिसाब से, पास इंक्लूडिंग जीएसटी, इनक्रिप्टन सेफ। ओके, आप ज्यादा भी रेट डाल सकते हो कैटलॉग प्राइस से और कम भी, पर प्रोडक्ट में याद रखोगे एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। तीन डॉक्यूमेंट्स है, तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, तीन डॉक्यूमेंट्स से देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरा पास्ट परफॉर्मेंस, टर्नओवर और एटीस। अभी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने आपको बताया, ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर, हो गया। अभी आपसे पूछ रहा है आप एमएसएमई के कैटेगरी में हो क्या, यस, तो यहाँ से एमएसएमई का सर्टिफिकेट, पर आप इस पर अप्लाई नहीं करोगे क्योंकि आपने कैटेगरी को एज ए रीसेलर किया है, ओईएम नहीं किया है। आप ओईएम करेंगे यदि आप इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो, आपने इस प्रोडक्ट को एज ए ओईएम अप्लाई किया है तो ही यस करना, नहीं तो यदि यस करेंगे मैन्युफैक्चरर एज ए ओईएम किया है तो यहाँ से एमएसएमई का सर्टिफिकेट, नहीं तो नो, और उसको सेव। ईएमडी नहीं था इसलिए नहीं गया, ऑटोमेटिकली चला गया, तो यहाँ एक्सेप्ट करो और वेरीफाई विथ ओटीपी, ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करो। देखो मैं यहाँ से और एक बार क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। आप टेंडर सबमिट करके विड्रॉल भी कर सकते हो, आप सबमिट कर दोगे तो यहाँ सबमिट आ जाएगा और बाद में यहाँ पे विड्रॉल बिट्स आ जाएगा। जैसे आप बाद में आप तीन बार कभी भी विड्रॉल करके फिर से टेंडर का डेट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बदल सकते हो, ऐसे आपको तीन बार चांस मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कस्टम बिड भरने का। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ सचिन सर, सर जो ईएमडी होता है ये उसमें लिखा रहता ना इनके वो, हाँ, 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 टेंडर, टेंडर देखा था उसमें ये उसका ड्राफ्ट अपने को डाउनलोड करने को मिला सर, आज मैंने देखा उसमें जैसे 2% ईएमडी होता क्या है, एनेस्ट मनी डिपॉजिट, ये एक डिपॉजिट अमाउंट है, आप टेंडर छोड़ के नहीं जाओगे इसलिए आपसे डिपॉजिट अमाउंट लेना है। अच्छा पहले करवाना पड़ता है, जैसे एक था उस पे 2% लिखा था। हाँ वही बोला 0.5 से 5% के बीच कुछ भी हो सकता है, ये बायर डिसाइड करता है कितना ईएमडी लेना है। ओके सर, मतलब पहले पेमेंट करनी पड़ती है 2% जैसे हाँ, लिखा है तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि छोड़ के ले जाएगा। और कोई डाउट्स किसी को कस्टम बिड के रिगार्डिंग? तो हम लोगों ने